भारत कनाडा का विवाद हुआ तो उसमें पाकिस्तान भी कूद पड़ा, और अब भारत ने कनाडा के साथ साथ पाकिस्तान को भी रगड़ डाला है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर आ गया। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने कनाडा की धरती पर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में उनसे बहुत विशिष्ट जानकारी साझा की है, लेकिन कनाडा ने कोई विशेष जानकारी भारत के साथ शेयर नहीं की। कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है, उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। ये आरोप भारत सरकार ने सीधे सीधे उस वक्त कनाडा पर लगाए हैं जब भारत पर कनाडा के पीएम ने अपनी संसद से एक आतंकवादी को उनकी जमीन पर मार गिराने का आरोप लगाया। उस खालिस्तानी आतंकी के संरक्षण देने वाले लोगों के तौर पर उभर कर सामने आए जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकी को मरवाने के आरोप लगाते हुए साफ साफ नजर आए, जिसके बाद भारत भी अब सामने आया है और उसने कनाडा पर सीधे सीधे यह आरोप लगाया है कि वो सुरक्षित पनाहगाह बन गया है उन लोगों के लिए जो आतंकवादी गतिविधि करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा कनाडा और पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित और समर्थित आतंकवाद है, यानी कि कनाडा और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश बन गए हैं जो आतंकियों के लिए वित्त पोषण का बेहतरीन केंद्र है, और ये दोनों ही देश आतंक को खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान जिस तरह से कनाडा के सुर में सुर मिलाता हुआ नजर आया था तो उस पर उसकी क्लास लगनी तय थी। इतना ही नहीं, भारत ने ये गंभीर आरोप तो लगाए ही, इसके साथ ही अगले आदेश तक भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विस निलंबित कर दिया है, और उसने साफ तौर पर यह कहा है कि उसके दूतावासों की सुरक्षा इस वक्त खतरे में है और ऐसे में वो वीजा सर्विस देने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसने अगली जानकारी तक के लिए इन सर्विस को निलंबित कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि कनाडाई सरकार के सभी आरोप राजनीतिक हैं, कोई विशेष जानकारी भारत के साथ वहां से शेयर नहीं की गई है। हम इस मामले पर विशेष जानकारी से अवगत होना चाहते हैं, लेकिन अब तक कनाडा ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा है। यकीनन ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।